subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, AIITP सेकेंड ईयर में जो हमारे सब्जेक्ट है मेडिसिन, उसमें हमारा चल रहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र की बीमारियां, डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसमें हमारे जो नेक्स्ट जो डिजीज़ है अगली, आज हम पढ़ाने वाले हैं, उसका नाम है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया का नाम हम सभी ने सुना है, नॉर्मल रूप से न्यूमोनिया क्या होता है, ठीक है। तो आज हम जानवरों में जो न्यूमोनिया होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज न्यूमोनिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है न्यूमोनिया। इसमें पी साइलेंट रहता है। अब हम देखें कि न्यूमोनिया क्या होता है। न्यूमोनिया में क्या होता है, पशु के जो लंग्स होते हैं यानी कि फेफड़े होते हैं, उसके आसपास जो म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि जो श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है उसमें सूजन आ जाती है, तथा उस म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन के साथ क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन होने से यह जो सूजन है वो ब्रोंकियल्स तक पहुँच जाती है, जिससे पशु की को तेज़ गति के साथ खांसी आती है। तो इस स्थिति को क्या कह देते हैं, पशु की न्यूमोनिया कह देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम बात करें तो लंग्स में जो सूजन आ जाती है उसे क्या कह देंगे, एक तरीके से न्यूमोनिया कह देंगे, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि न्यूमोनिया क्या होता है। तो लंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन का आ जाना ही न्यूमोनिया कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूमोनिया कहलाता है। लंग्स में सूजन आने के साथ साथ इनमें इन्फेक्शन भी हो जाता है, तथा यह सूजन ब्रोंकियल्स तक पहुंच जाती है, जिससे पशु की श्वास की गति बढ़ जाती है, तथा पशु को तेज खांसी आती है। क्या होता है, पशु को तेज खांसी आती है। तो इस स्थिति को हम क्या कह देंगे, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया क्या, लंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन का आ जाने क्या कहलाता है, न्यूमोनिया कहलाता है। लेकिन लंग्स में सूजन आने के साथ साथ इसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है, तथा जब यह सूजन ब्रोंकियल्स तक पहुंच जाती है तो इससे क्या होता है कि पशु की जो सांस लेने की जो गति होती है वो बढ़ जाती है, तथा पशु को साथ साथ क्या होता है, तेज खांसी आती है, ठीक है। अब हम देखें कि न्यूमोनिया कितने प्रकार का होता है। न्यूमोनिया कई प्रकार का होता है, जैसे कि ड्रिंचिंग न्यूमोनिया, लोबार न्यूमोनिया, ब्रोंकियो न्यूमोनिया, प्लूरल न्यूमोनिया, ये न्यूमोनिया के प्रकार है। तो न्यूमोनिया कई प्रकार का होता है। ब्रोंकियो न्यूमोनिया, ड्रिंचिंग न्यूमोनिया, लोबार न्यूमोनिया और प्लूरो न्यूमोनिया। तो ये जो ब्रोंकियो न्यूमोनिया, ये जब
ब्रोंकियस के चारों ओर सूजन आ जाती है, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन सूजन आ जाती है, उसे कहता है ब्रोंकी न्यूमोनिया। ड्रिंचिंग न्यूमोनिया, जब हम पशु को दवा देते हैं तो वो दवा मुंह में ना जाकर सीधे फेफड़ों में चली जाती है, जिससे पशु को श्वास लेने में तकलीफ होती है, तो उसे क्या कहते हैं ड्रिंचिंग न्यूमोनिया। लोबार न्यूमोनिया, कि लंग्स के अंदर जो लोब्स पाए जाते हैं उनके अंदर जब सूजन आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं लोबार न्यूमोनिया। और प्लूरल न्यूमोनिया, फेफड़ों के जो चारों तरफ जो आवरण प्लूरल जो पाए आवरण पाया जाता है उसके अंदर जब सूजन आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं प्लूरोसी भी कहते हैं, प्लूरल न्यूमोनिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गए न्यूमोनिया के प्रकार। आगे हम बात करेंगे कि न्यूमोनिया किन कारणों से होता है, तो इटियोलॉजी ऑफ न्यूमोनिया। इटियोलॉजी ऑफ न्यूमोनिया, सबसे मेन चीज़ तो क्या है, हम सभी को पता है न्यूमोनिया ज़्यादातर किस मौसम में होता है। न्यूमोनिया ज़्यादातर हमें ठंड के मौसम में होता है, क्योंकि ठंड के मौसम में जो हवा चलती है ठंडी हवा, उसमें वातावरण में क्या होती है नमी होती है, और वह जो हवा है वो हमारे फेफड़े सहन नहीं कर पाते, क्योंकि आसपास का जो वातावरण होता है वो बहुत ही ठंडा होता है। ठीक है, तो इसका पहला कारण हो जाएगा वातावरण में ठंड व नमी के होने से, ठंड व नमी के होने से। आगे हम बात करें, जब हम पशु होता है उसको हम जो बार वाहक जो होते हैं द्विप्रयोजनीय जो पशु होते हैं उनका जब हम अत्यधिक मात्रा में उनके उनको काम में लेते हैं, तो इस वजह से भी जब वो धूल मिट्टी में रहते हैं और जब वो उनका थकान रहती है तो थकान की वजह से भी न्यूमोनिया हो जाता है। तो दूसरा कारण हो जाएगा पशु को काम में अधिक जोतने से, अधिक जोतने से। तीसरा कारण क्या होगा कि पशु के शरीर के अंदर क्या होता है, उससे लगातार काम करवाए जाते हैं, लगातार काम करवाए जाने से उसके अंदर क्या होता है कि पशु के जो पोषक तत्व होते हैं उनमें कमी आ जाती है, तो पोषक तत्व की जब मात्रा कम हो जाती है तो उससे भी क्या होता है पशु को निमोनिया हो जाता है। नेक्स्ट कारण क्या है कि जब पशु को जो कोई रासायनिक पदार्थ वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं कि फेफड़ों के द्वारा, फेफड़ों में सांस के द्वारा क्या होता है फेफड़ों में चले जाते हैं। ठीक है, इस वजह से भी निमोनिया हो सकता है। तो नेक्स्ट कारण है पशु के आहार में पोषक तत्वों की कमी से। ठीक है, अगला कारण है नेक्स्ट रासायनिक पदार्थों का, रासायनिक पदार्थों का श्वास के द्वारा लंग्स में चले जाने से, किसमें लंग्स में चले जाने से। आगे हम बात करेंगे बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, इन सभी की वजह से भी क्या होता है पशु के जो न्यूमोनिया होने के चांसेस हो जाते हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। अब हम इसके एग्जांपल देख लें, सबसे पहले तो है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया, माइको प्लाज्मा हो गया, कैनाइन डिस्टेम्पर हो गया डॉग्स में, डिप्थीरिया हो गया। ठीक है, और इसमें और कारण है जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो गया, साइनोबैक्टीरियम हो गया, ये सब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, साइनोबैक्टीरियम,
इक्वाइन। ये सब जो बैक्टीरियल वायरल जो इन्फेक्शन है इनकी वजह से भी क्या होता है कि पशु को न्यूमोनिया होने का खतरा रहता है या पशु को न्यूमोनिया हो जाता है। साथ ही साथ धूल मिट्टी के जो कण होते हैं उनके द्वारा अगर पशु को एलर्जी होती है तो उससे भी पशु को न्यूमोनिया हो जाता है। लास्ट है धूल मिट्टी के कणों से एलर्जिक रिएक्शन होने से। तो ये सब कारण होते हैं जिससे क्या होता है कि पशु को न्यूमोनिया हो जाता है। तो हम देखते हैं वातावरण में तो क्या होगा, ठंड में नमी होने से, पशु को काम में अधिक लेने से, आहार एवं पोषक तत्वों की कमी से, रासायनिक पदार्थों को सांस के द्वारा लंग्स में चले जाने से, बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से, धूल मिट्टी कण से, एलर्जिक रिएक्शन से जिसमें होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, कैनाइड डिस्टेंपर हो गया, डिप्थीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरियम इक्वाइन्स हो गया। ये सारे जो रीजंस होते हैं इनकी वजह से भी पशु को न्यूमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की यानी कि लक्षण। सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले जब हमें न्यूमोनिया हो जाता है तो सबसे पहले हमारे नाकों से और मुंह के द्वारा ही डिस्चार्ज आना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि हमारे जो श्वसन तंत्र है वो यहीं से स्टार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल से, साइड से जो ऊपरी अंग पाए जाते हैं जैसे ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकी हो गया, लेरिंग्स हो गए, इन सभी से होता है हमें। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे पशु के जो नाक होते हैं उनसे गाढ़ा पीला पस जैसा डिस्चार्ज बाहर आता है। पशु के नोज से गाढ़ा पीला पस जैसा डिस्चार्ज बाहर आ जाता है या आता है। ठीक है, ये हो गया एक कारण। तो दूसरा कारण है कि पशु की जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है तथा पशु को बार बार खांसी आती है। खांसी में कफ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, पशु की रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है तथा पशु को बार बार सूखी खांसी आती है कभी कभी खांसी में कफ भी हो सकता है। कफ भी हो सकता है। आगे हम बात करें तो पशु को क्या होती है, श्वास लेने में कठिनाई होती है, जिस वजह से पशु क्या करता है, मुंह को खोलकर एवं जीभ को मुंह से बाहर निकालकर श्वास लेता है। पशु को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है तथा पशु जीभ को मुंह से बाहर निकालकर श्वास लेता है। क्या करता है पशु, जीभ को मुंह से बाहर निकालकर श्वास लेने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हम देखें पशु के श्वास में गर गर की आवाज सुनाई देती है। क्या होती है पशु की जो आवाज़ श्वास होती है उसमें क्या होती है, गर गर की आवाज़ यानी कि विस्लिंग साउंड जो होता है, सीटी की तरह जो आवाज़ होती है उसकी वजह से आवाज़ सुनाई देती है। साथ ही साथ क्या होता है
कि पशु का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तथा पशु सुस्त हो जाता है एवं कान नीचे लटके रहते हैं। पशु का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तथा पशु सुस्त हो जाएगा, साथ साथ क्या होगा कि पशु के जो कान होते हैं वो नीचे लटके रह जाते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की। ये हो गए इसके सिम्टम्स, आगे हम बात करेंगे डायग्नोसिस की, किसका डायग्नोसिस कैसे करें। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, पशु का जो नेजल डिस्चार्ज का स्वैब बनाकर उसमें बैक्टीरिया एवं वायरस की प्रेजेंस की जांच करेंगे। क्या करेंगे, प्रेजेंस की जांच करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, वही पशु के सिम्टम्स देखेंगे। क्या करेंगे, सिम्टम्स देखेंगे अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री एंड सिम्टम्स। आगे हम बात करेंगे पशु के न्यूमोनिया के ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि पशु को जानवर को गर्म स्थान पर रखेंगे, उसे थोड़े गर्म कपड़े पहनाएंगे, आसपास का जो वातावरण है उसे साफ रखेंगे, वेंटिलेशन अच्छा करेंगे ताकि जो आसपास में जो बैक्टीरिया वायरस है उनकी खिड़कियाँ विड़कियाँ होती हैं, पशु का जो रहने का स्थान होता है उसको साफ करेंगे ताकि बैक्टीरिया वायरस थोड़ा बाहर जा सके। वहाँ पर थोड़ा एंटीसेप्टिक जो चीज़ें होती हैं या एंटी इन्फेक्टिव जो चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों से क्या करेंगे, उस जगह की साफ़ सफाई करेंगे जहाँ पर पशु रह रहा है। उसी के अलावा हम क्या करेंगे कि पशु को जैसे कोई भी पैलेटेबल डाइट होती है, जैसे कि मुलायम स्वादिष्ट एवं आहार में पचाने योग्य जो जल्दी पच जाए, इस तरह का चारा पशु को देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गर्म स्थान पर रखेंगे पशु को। तथा पैलेटेबल टाइट देवे जो खाने में मुलायम स्वादिष्ट तथा आसानी से पचने वाला हो, क्या हो, आसानी से पचने वाला हो, इस तरह का हम पशु को क्या करेंगे, आहार देंगे। साथ ही साथ क्या करेंगे, पशु को जो भी कोई जैसे गर्म कपड़ा हो गया उसको पशु के ऊपर ढक देंगे। उसके अलावा क्या करेंगे, हम पशु को जैसे कि पशु को एंटीसेप्टिक इन्हेलेशन देंगे। क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम पशु को एंटीसेप्टिक इन्हेलेशन में टिंचर बेंजीन हो गया, टर्पेंटाइन ऑयल की भाप या बफारा, या फिर विक्स हो गई उसकी भाप भी दे सकते हैं पशु को, विक्स की भाप भी दे सकते हैं। उसके अलावा हम पशु को क्या करेंगे कि यूकेलिप्टस का जो ऑयल होता है, तेल का भी इन्हेलेशन भाप देंगे। क्या करेंगे, इन्हेलेशन देंगे पशु को। उसके बाद हम क्या करेंगे, पशु को कोई भी एंटीबायोटिक जो ड्रग होती हैं वो देंगे। एंटीबायोटिक ड्रग में वैमोक्सिलिन भी दे सकते हैं और प्रोक्सिलिन भी दे सकते हैं। तो एंटीबायोटिक हम ड्रग देंगे,
एमोक्सिलिन साथ में क्लोक्सिलिन, क्लोक्सिलिन देंगे साथ। कितनी देंगे? कम से कम पशु को 4 ग्राम दे देंगे, 2.5 से 4 ग्राम इंट्रा मस्कुलर, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे, पशु को फंगल इन्फेक्शन है तो उसको ग्रिसफ्लेविन जो होता है उसका सॉल्यूशन को डीएनएस की बोतल में मिलाकर देंगे। फंगल इन्फेक्शन है तो इंजेक्शन ग्रिसोफ्लेविन, ग्रिसोफ्लेविन को 0.5% के सॉल्यूशन का को डीएनएस में मिलाकर देंगे, ठीक है। क्या कैसे देंगे? इंट्रावीनियस। उसके बाद पशु को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो इंजेक्शन टायरोसिन टार्ट्रेट दे सकते हैं। इंजेक्शन टायरोसिन टार्ट्रेट 4 ml इंट्रामस्कुलर शीप एंड गोट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो न्यूमोनिया होता है वो भेड़ बकरियों में ही होता है, सबसे ज़्यादा न्यूमोनिया भेड़ बकरी में ही होता है। आगे हम खांसी के लिए कफ का जो पाउडर होता है वही पाउडर कैफ्लून 100 ग्राम प्लस गुड़ में मिलाकर, ठीक है। आगे हम बात करें कि पशु को जैसे एलर्जी की वजह से भी होता है तो एंटी हिस्टामिनिक जो ड्रग है जैसे कि एविल दे देंगे 10 से 12 ml इंजेक्शन, एविल 10 से 12 ml इंट्रा मस्कुलर। उसी के साथ पशु को थोड़ा सा ताकत के लिए क्या देंगे हम, इंजेक्शन ट्राइबेट दे सकते हैं या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी दे सकते हैं। पंद्रह एम एल या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं 10 से 15 ml, ठीक है। ये हो गई आज हमारी पशु की जो बीमारी थी न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसके एटियोलॉजी हो गए, सिम्टम्स हो गए, डायग्नोसिस हो गया और ट्रीटमेंट हो गया। अब सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, नोट डाल के लिख लेना कि न्यूमोनिया सबसे ज़्यादा भेड़ व बकरी को होता है या पाया जाता है, उनमें ये बीमारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी जो न्यूमोनिया डिजीज़ थी सेकेंडर की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो डिजीज़ थी वो कंप्लीट होती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो हमारे चैनल का बेल आइकन है उसे प्रेस करें। आरके शर्मा को जल्दी से जल्दी इनके सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट करें ताकि हम भी मोटिवेट हों और आपको टाइम टाइम पर अच्छी अच्छी वीडियो के डालकर आपको पढ़ाई में हेल्प कर सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।